तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो नंबर्स को डिवाइड करने के बारे में। हम दो नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हम मॉड्यूल का नाम लिखना होता है। तो ये मॉड्यूल आ जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल कैसे टाइप करेंगे, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मॉड्यूल आ जाएगा। और जो भी मॉड्यूल का नाम देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं मॉड्यूल टू, ठीक है। ये मॉड्यूल टू हमने दे दिया, एंटर किया। एंटर करके जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें मेन बनाना होगा, मेन फंक्शन। तो यहाँ पे सब मेन कर लेता हूँ मैं, तो ये सब मेन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। और बाकी की चीजें आगे आपको सबसे जो जरूरी काम है वो वेरिएबल बनाने का है। वेरिएबल हमें बनाना है, तो डिम नाम लिखते हैं यहाँ पे डिम, और फिर यहाँ पर पहला वेरिएबल बना लेते हैं नम1 के नाम से। तो ये नम1 बना लिया हमने, कॉमा देंगे। दूसरा वेरिएबल हम नम2 के नाम से बनाएंगे, और तीसरा जो वेरिएबल होगा उसे हम डिव के नाम से बनाएंगे, डिव डिव। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, और हम ये चाहते हैं कि हम केवल इंटीजर्स का डिवीजन कर सके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एड इंटीजर, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिव एड इंटीजर। तो यहाँ पे जैसे ही इंट टाइप करूंगा तो यहाँ पे इंटीजर आने लगेगा, ये आ गया, तो ये हमने ले लिया। तो डिव एड इंटीजर कर दिया हमने, और चूंकि हम बना रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन। अब ये कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो में डालता हूँ कि ये कंसोल एप्लीकेशन होता क्या है। वैसे आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि कंसोल एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे आप ग्राफिकल चीजें नहीं कर पाते हो, ग्राफिक्स वगैरह जैसे कि कलरफुल चीजें नहीं कर पाओगे, सिर्फ लिख पाओगे, लिखना वगैरह का काम आप कर सकते हो। जैसे दो नंबर को ऐड कराना है तो सिर्फ लिखने का काम है, तो वो सारे काम कर सकते हो कंसोल एप्लीकेशन पर। तो ये कंसोल एप्लीकेशन ही बन रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कंसोल, सबसे पहले क्या लिखना है कंसोल। तो यहाँ पे लिखे कंसोल, जैसे ही कंसोल टाइप करते हैं तो यहाँ कंसोल अपने आप आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखे डॉट राइट, ठीक है। डॉट राइट कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है, इज टू डिवाइड, डिवाइड लिख दीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि हमें डिवाइड कराना है तो हम डिवाइड भी लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया, ये करने के बाद एंटर करके नीचे आइए, और जैसे ही नीचे आएंगे जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, या फिर एंटर द नंबर टू बी डिवाइडेड, ऐसे करके लिखेंगे, एंटर द नंबर फॉर डिवीजन, ये लिख देता हूँ मैं, डिवीजन लिख देता हूँ। तो ये हमने लिख दिया, कितना कर लेंगे, ठीक है। कंसोल कंसोल ये लिख दिया कंसोल, ठीक है, ठीक है। इतना कर लिया हमने, इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है, अब सेकंड नंबर की बात करनी है। ये पहला नंबर पूरा डिफाइन हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर आते हैं वापिस, फिर वापिस से वही काम करना है हमको, यहाँ पर लिखना है कंसोल, एंटर को सेकंड नंबर जैसे ही हम दे देंगे तो फिर हमें करना है यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज, और ब्रैकेट को क्लोज करके फिर एंटर करके नीचे आना है, यहाँ पर देना है नम टू कंसोल। ये हो गया कंसोल डॉट रीड लाइन, और अब हमें क्या करना है, अब ब्रैकेट को ओपन करके फिर क्लोज कर दीजिए, बस हो गया। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, हमने दोनों ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे हम ले लिया हमने इज इक्वल टू नम1 अपॉन नम2 करेंगे, नम1 अपॉन नम2। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, ठीक है, देख सकते हैं। अब क्या करना है हमें, इतना कर लेने के बाद यहाँ पर अब इसको प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंसोल, जैसा कि देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमारा बन गया है। आप इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, जाकर ये प्रोग्राम कर दिया हमने, और यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन जैसे चला के देखते हैं कुछ होता है या नहीं, हमारा प्रोग्राम चलता है या नहीं। तो ये हमारा कंसोल एप्लीकेशन जो है आ चुका है और ये रन हो रहा है, हमारा प्रोग्राम चलने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हमारा प्रोग्राम रन भी हो गया। ये देख लीजिए हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर ये हमने डिवाइड कराना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई इंटीजर नंबर देंगे, 6 दे दिया, और दूसरा नंबर भी आपको इंटीजर ही देना है, या 2 दे दिया, तो 6 और 2 का डिवीजन जो है 3 आया, ठीक है। एंटर करता हूँ और फिर एक बार और इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ से चलते वापिस से रन करवाते हैं, तो ये रन करवा लिया हमने। इस बार अगर हम 7 देते हैं तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट आएगा, तो ये 2 से डिवाइड कराता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 से डिवाइड कराने से जो है 4 आ रहा है आंसर आपका, यानी कि केवल ये इंटीजर्स को डिवाइड करने के लिए है, ठीक है। इंटीजर के लिए इंटीजर लिखा जाता है, इंटीजर लिखा जाता है पूरा, ये देख सकते हैं, ये कोई सी लैंग्वेज नहीं है, या C++ नहीं है, ना ही जावा है, यहाँ पर इंटीजर हमने लिया है, तो यहाँ पूरा आपको इंटीजर लिखना है, ठीक है। ये विजुअल बेसिक डॉट नेट है, तो
यहां आपको पूरा इंटीजर लिखना है, पर और इसको रन कराते हैं, चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम चलता है या नहीं। यहां 90 लिखा है, इसको 2 से डिवाइड कराया, 45 आंसर आ गया आपका। तो जो भी इंटीजर है उसको डिवाइड करा सकते हैं आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।